Welcome back to my channel. Good afternoon. कैसे हैं आप सब? I hope आप लोग ठीक हैं, खुश रहे, अपने अपनी जिंदगियों में, परिवार में तंदुरुस्त रहे और मुस्कुराते रहे। और आप लोग ने अभी तो सब लोग ने लंच कर लिया होगी और मैंने भी कर लिया है। मैंने लंच में आज बनाया अंडा करी सब्जी और दाल, मसूर का दाल बनाया है और खा के मेरा बटन वगैरह भी हो गया है। अभी तो ज़्यादा देर नहीं हुआ है, 2:30 ही हुआ है, क्योंकि मैं अभी रेडी हो गई हूँ, कहीं पे जाने वाली हूँ, बाहर ही ऐसे बेलटोला में जाऊँगी, कुछ काम है। और फिर हमारा सरस्वती पूजा भी आया है, काल या काल भी है, परसों भी पता नहीं, मैं तो परसों ही घर में ऐसे सराय भगवान के आगे ठोगी दूंगी। और इसलिए मैं थोड़ा बाजार से आगे शाम के टाइम में जाने से इतना मतलब ठंडा भी ज़्यादा हो जाता है। आज तो बहुत ठंडा है और बारिश मतलब धूप भी नहीं निकला हुआ है, बारिश होगा ऐसा वाला मौसम है और शाम का टाइम में ज़्यादा ठंडा पड़ जाते हैं। इसीलिए मैं सोचा इसी टाइम में खाना खा के ही बटन वगैरह करके ही चला जाती हूँ और जो भी सामान चाहिए घर के लिए लेके आती हूँ। और इसलिए मैं रेडी हो गई हूँ, अभी मैं चलती हूँ, अभी मैं जाऊँगी बाजार और फिर आके आप लोग से मिलती हूँ। और मेरा ब्लॉग देखते रहिए, मेरा ब्लॉग आगे तक देखते रहिए और बाद में मिलती हूँ मैं आप लोग से। और मैंने ब्लॉग को भी शुरू कर दिया है और अभी मैं जा रही हूँ। और अभी तो 3 बजा है और वेदर ख़राब है, और क्योंकि मैं कल इयरिंग लेके आई थी, एक ख़राब निकला हुआ है, वो भी एक्सचेंज करा दूँगी और थोड़ा घर के लिए बाज़ार करूँगी, इसीलिए इसी टाइम में जा रही हूँ। थोड़े आगे रिक्शा ले लूँगी ना, ये तो पैदल ही जाऊँगी, मिलेगा रिक्शा तो रहता ही है। और इस एरिया मेरा घर का ही एक गली है, थोड़ा आगे ही मेरा घर है और 2-3 घर के आगे ही मेरा घर है, इस एरिया में ही मैं रहती हूँ। और मैं दिखा रही हूँ मेरा घर की तरफ की गली। और अभी रिक्शा भी आ रही है, हम रिक्शा में अभी बैठ के जाऊँगी, ज़्यादा नहीं लेते हैं, 10 रुपया लेता है। और अभी ठीक है, मैं रिक्शा में बैठ लूँ। मैंने इयररिंग को चेंज कर लिया है और इधर एक हनुमान जी का मंदिर है और सभी भगवान हनुमान जी भी है और शिव जी भी है और फिर मैं गणेश जी भी है। और मैं अभी हनुमान जी की आगे माथा टेक लूँगी और सभी भगवान को मैं ऐसे माथा टेक लूँगी। और फिर मैंने माथा टेक के अभी बाहर आ गई हूँ, अभी थोड़ा मैं बाज़ार करूँगी और सरस्वती पूजा के लिए मैं घर में उस दिन थोड़ा सा ऐसे पूजा रखूँगी, इसलिए थोड़ा सा शॉपिंग कर लूँ, दूध वगैरह और जो भी प्रसाद का सामान है वो ले लूँगी। और ये फ्रिज का दुकान में आ गई हूँ और मैं चाहती हूँ केला वगैरह ले लूँ, लेकिन आज नहीं लूँगी, कल ही ले लूँगी। और फिर मैंने जो जो सामान चाहिए ये इस दुकान से मैंने दूध ले लिया है ताज़ा का और मिठाई भी ले लूँगी। और बाज़ार से आते आते शाम ही हो गया है, मतलब अभी अंधेरा ही हो गया है, 5:30 हो गया होगा, 5:20, 5:10 ऐसा वाला हो गया है। और मैं कपड़ा को ऊपर से मैं सीधा ऊपर ही आ गया हूँ, कपड़ा लेके अंदर जाने के लिए बाज़ार से सीधा सीढ़ी से ऊपर ही आई हूँ, घर का अंदर नहीं घुसा मैंने और कपड़ा ले लूँ। शाम का टाइम में मामी जी ने बनाया लूची और आलू फ्राई किया है और मामी जी के साथ बात करके हम लोग अभी नाश्ता कर रही हूँ। और मेरा बेटी भी करेगा साइड में, मेरा बेटी का थाल सजा के रखी हूँ। और शाम के टाइम में हम कभी कभी इसी तरह नाश्ता कर लेती हूँ, अच्छा भी लगता है। और आज मामी जी का जब मन होता है बनाते हैं और खाती हूँ, मुझे मन मैं नहीं बनाती, इस टाइम मुझे बनाने का मन नहीं करता है, कोई मेहमान वगैरह आने से मैं बना देती हूँ। मेरा बेटी को बहुत पसंद है लूसी और पूरी और दादी ने बना दिया, हम लोग अभी बैठ के शाम का नाश्ता करूँगी।
मैं बाजार से 5:30 में ही आ गई थी और फिर आके कपड़ा वगैरह लेके आई। तो अभी तो अंधेरा ही होने वाली थी, अंधेरा ही हो गया है थोड़ा थोड़ा। फिर आके थोड़ा मम्मी जी बनाया था लूसी और आलू फ्राई किया, मम्मी जी ने बनाया है नाश्ता शाम का टाइम में, और वो भी खा लिया। खाने के बाद मैं सोचा मैं बाजार में तो जाने के टाइम बोला ही था, मैं इयररिंग लेके आई थी फिर टूट गया था, मैं चेंज करके लेके आई हूँ। और जो मैं लेके आई थी मुझे बहुत पसंद था, लेकिन दूसरा वाला ऐसा नहीं था। मैं कोई अलग सा ही लेके आई हूँ, मैं और मेरा बेटी और एक नेल पॉलिश लेके आई हूँ, और एक लेके आई हूँ मैं जेल, एलोवेरा जेल लेके आई हूँ। और मैं एक और चीज़ आप लोग को साथ कल रिव्यू करूँगी, क्योंकि मैं फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, कल आएगा। दिखाऊंगी क्या, मैं ये सस्पेंस में रखूंगी आप लोगों को, काल क्या है वो भी दिखाऊंगी। इतना महंगा वाला नहीं है जो हमारा ऐसे चाहिए, हमारा जो नहीं बोलूंगी मैं। और मैं दिखाती हूँ मैं जो इयररिंग लेके आती हूँ, नेल पॉलिश को तो मैं लेके आई थी, मैं वो भी दिखाऊंगी। और ये है इयररिंग्स, ये मेरे लिए लेके आई हूँ मैं, और मैं पहन कर भी दिखाऊंगी। और ये 230 में लिया है मैंने, और मुझे अच्छा लगा। दो में लिया था वो तो टूट गया था, इसीलिए मुझे यही अच्छा लगा, यही ले लिया है चेंज करके। और ये है मेरी बेटी के लिए लिया है, वो भी 230 ही लिया है। और मैंने लिया है और जेल, ये निछार का है और अच्छा है। ये मैं पहले से भी एक ले लिया था और अभी ख़त्म हो गया है, और ये लेके आई हूँ मैं। और मैं दूध वगैरह और कोई कोई सामान घर के लिए लेके आई हूँ, सरस्वती पूजा है घर में, पूजा उस दिन कुछ दूंगी, वही लेके आई हूँ। और नेल पॉलिश भी लेके आई हूँ, वो दिखाती हूँ मैं। और ये लिया है बेबी पिंक का कलर है, और लगाने के बाद पता चलता है ये कलर मेरा बहुत फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये कलर, और ये लेके आई हूँ। और मैं पहन के भी दिखाऊंगी इयर रिंग्स, आप लोग को कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा। और कल भी एक शादी है हमारा घर की ऐसे पास ही है, और जाऊंगी या नहीं जाऊंगी कल ही बोलूंगी। और ये मैं पहन लूंगी अभी, इतना हैवी नहीं है, पतला है, पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए ये है, और ये है, और ये है, और कैसा लग रहा है, आई होप अच्छा ही लगा है, कमेंट करके जरूर बोलिएगा। अभी रात का 7:30 ही हो गया है, अभी डिनर बनाना का टाइम नहीं हुआ है। मैं थोड़ा टाइम टीवी देखूंगी, टीवी देखने के बाद ही मैं डिनर बनाऊंगी, रोटी और आज रोटी के साथ बनाऊंगी मैं अरहर दाल, या बनाऊंगी चना दाल, कुछ ना कुछ बना लूंगी, और कुछ फ्राई कर लूंगी, और चिकन और मछली और सब नहीं बनाऊंगी, बनाने से मैं शेयर करने वाली थी आप लोग के साथ, और फिर इसलिए मैं शेयर नहीं करूँगी। आज का ब्लॉग यही एंड कर देती हूँ। आज का ब्लॉग देख के आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, जो भी पहली बार मेरा ब्लॉग देखा है। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देने से जो भी मैं ब्लॉग डालूंगी नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगा। और फिर मिलूंगी एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और आज मैं दोबारा से बाजार इसलिए जाना पड़ा, मैं जो इयररिंग को चेंज किया और फिर थोड़ा बहुत कर बाजार किया, और अच्छा भी लगा। इन दिनों काल आज दोनों मैं बाजार ही जा रही थी, और परसों तो सरस्वती पूजा भी है, कल गणेश पूजा भी है, और घर में इन दिनों का तो पूजा ही पूजा होगा। और मैं ऐसे तो मैं दिया वगैरह हर दिन जलाती ही हूँ, और फिर अच्छा लगता है पूजा होने से। और फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय एंड गुड नाइट।